ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर देख रहे हैं वो कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल आपके पास है बी, और आप कहते हैं कि ए में वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू पड़ी है 10, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि आपने कंपेयर किया, और कंपेयर करने में इनका रिजल्ट या इनकी जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। तो ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, ये कंपेरिजन कहलाता है। और इसको C++ के अंदर इस तरह के काम करने के लिए ख़ास किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, ये मुझे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नया लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे या LMS पे अपलोड करेंगे। तो जो एक क्लास होगी ना उसका लिंक सेम होगा, ठीक है। तो ये काइंडली अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें कि ग्रुप का लिंक जो है ना वो सेम ही है। जो एक क्लास हो रही है ना आज के वक्त में, लेट से 11:30 बजे क्लास हुई है, उसी क्लास का कंटिन्यूशन जो है वो 12:15 बजे दोबारा से हो रहा है। तो एक ही लिंक के साथ जो है वो दोनों सेशन आप कंडक्ट करेंगे। तो ये काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ गए तो मेरे लिए आंसर करना मुश्किल होगा। तो आप काइंडली ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें, सारा को पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको रिलेशन ऑपरेटर का पता चल गया कि वो क्या है। तो अब उसमें जो हम इक्वल्स टू के लिए इस्तेमाल करते हैं कि दो वैल्यू बराबर हैं, उसके लिए जो ऑपरेटर का सिंबल यूज होते हैं, यहाँ पे ये देखें दो दफ़ा इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 3 वैल्यू है और एक 5 वैल्यू है, और उसके दरमियान में आप इस वाले ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं जो कि इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, तो ये रिजल्ट में क्या प्रोवाइड करेगा, आपको फॉल्स बताएगा कि ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते ये ट्रू बताता, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। इसी तरीके से आपके पास एक होता है नॉट का ऑपरेटर, या जो है वो निगेट करने का ऑपरेटर, की वैल्यू जो भी हो उसको निगेट कर दिया जाए। क्या आप कहते हैं कि जी दो वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है, तो उसके नॉट इक्वल्स टू का जो सिंबल होता है वो एक्चुअल में ये दो सिंबल मिलके बनते हैं, एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कहूँगा, अब ये दोनों मिल के एक्चुअल में क्या बन गए हैं, ये नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर बन गए हैं। अभी नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करेगा, तो ये कुछ ऐसे काम करेगा कि आपके पास एक वैल्यू पड़ी है 3, एक वैल्यू 5। अब यहाँ पे ये कंपैरिजन ये हो रहा है कि ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो उस सूरत में क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और लेट्स से अगर यहाँ पे 3 के बजाय 5 होता तो 5 नॉट इक्वल टू 5 होता, तो ये उसके रिस्पेक्टिव ये कंपेरिजन जो है उसने क्या देना था, फॉल्स रिटर्न करना था। तो ये फॉल्स बता रहा है कि ये फॉल्स होगी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, तो इसके लिए देखें तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, 3 ग्रेटर देन 5, तो 3 क्या 5 से ग्रेटर है, तो आपको भी पता कि ये ग्रेटर नहीं होगा। इस सूरत में ये ऑपरेटर जो है वो क्या बताएगा आपको, फॉल्स, कि ये ग्रेटर नहीं है। इस तरीके से लेस देन का सिंबल है, इससे आप पहले वाकिफ हैं। तो अगर आपके पास एक वैल्यू है 3 और दूसरी वैल्यू है 5, 3 लेस देन 5 अगर आप देखते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे देखें तो ये आपके पास लॉजिकली दुरुस्त आ रही है बात कि 3 जो है 5 का स्मॉलर है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस हो गई है, तो बच्चे मैंने अटेंडेंस अभी नहीं ली क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरे पास एक क्वांटिटी बढ़ जाती है 40+ के आसपास आ जाते हैं तो मैं अटेंडेंस कॉल कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल। अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू आप मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास ग्रेटर का सिंबल होता है उसके नीचे एक डैश लगी होती है और आप कहते हैं ग्रेटर इक्वल टू। अब ऐसा कोई सिंबल C++ लैंग्वेज में मौजूद नहीं है,
तो अब ये वाला ऑपरेशन दोबारा हमें करना है, तो अब ये वाला ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपका ये वाला सिंबल है कि आप पहले लगाते हैं ग्रेटर फिर इक्वल टू। अभी ग्रेटर और इक्वल टू ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, एक ऑपरेटर बन गए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब अगर एक वैल्यू है आपका 3, दूसरी वैल्यू आपके पास है 5, तो अब 3 अगर 5 से ग्रेटर होगा या बराबर होगा, दोनों सूरतों में ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन आपको पता है कि 3 जो है 5 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इस सूरत में जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला ऑपरेटर है आपके पास, ये किस चीज़ का ऑपरेटर है, ये लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है। अच्छा यहाँ पे ये साथ में लिखा हुआ भी है, मैं तो चाह रहा था कि कोई मुझे बंदा जवाब देगा, शायद लिखने में ज़रा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप ये देखें तो उसकी अगर वैल्यू को देखें तो ये आपका है 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ये मोहम्मद हसनैन आप मुझे चैट में नहीं बता सकते जी, आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं आपका क्या बात है मोहम्मद हसनैन। सर, वो मैं गलती से दूसरी क्लास लेने शुरू हो गया था, वो लैब वाली, तो पता नहीं चला एकदम, तो अभी दोस्त ने भेजा तो अभी आया हूँ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सर अटेंडेंस का तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? नहीं अभी अटेंडेंस आप इस वाली क्लास में तो ले लेना, ठीक हो गया। इंदा आपने ख्याल करना है कि किधर क्लास लेनी है, आपका टाइम टेबल आपके पास होता है ना उसके मुताबिक यस देख। सर जी, नहीं वो गलती से हो गया, मैं वहां पे प्रोग्राम करने शुरू हो गया था, अभी दोस्त ने भेजा तो अभी आया। कोई बात नहीं ठीक है, आप इसको जो ना ये अपना माइक बंद कर लीजिएगा ठीक हो गया सर, और शुक्रिया। मैं, थैंक यू। जी मलाइका, सर मुझे स्लाइड्स शो नहीं हो रही, तो मैं अभी लीव करके दोबारा से एंटर हो जाऊं? जी, आप एंटर हो जाएं, दोबारा से एंटर हो जाएं। ओके अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मैं यहाँ तक स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। और ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है जिसके अंदर यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो है आपके पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स होता है ये आउटपुट की सूरत में 0 और 1 की सूरत में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 0 का मतलब ये है कि वो चीज़ फॉल्स है और 1 का मतलब ये है ये ट्रू है। अगर इससे पहले मैंने इसका ऑपोजिट बताया हुआ तो अभी ये तो कंफर्म कर लें कि ये इसमें करेक्ट चीज़ क्या है। अगर दो वैल्यू जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर से इस्तेमाल होती हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है या उसके बारे में फॉल्स कहता है कि फॉल्स है, तो उस सूरत में जो उसका रिजल्ट बनता है वो 0 बनता है। और अगर दो वैल्यू अगर आप उसको कंपेयर करें और उसका रिजल्ट ट्रू बनता है तो उस सूरत में ये आपको 1 जो है प्रोवाइड करता है। ये राइट साइड पे इसकी आउटपुट है, लेफ्ट साइड पे आपके सामने प्रोग्राम है, तो इसको हम जरा गो थ्रू कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन, फिर इसके बाद इंट मेन, और इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे दो मेमोरीज बनाई, एक मेमोरी है ए और दूसरी मेमोरी है बी। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 इक्वल इक्वल्स टू 5 कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेमोरी इस्तेमाल की तो मेमोरी में हम वैल्यू चेंज करके फिर इसके अंदर एक जगह पर चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ वो मेमोरी इस्तेमाल होगी वो सारी जगह पे जो है वो चेंजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मुजम्मिल ट्रू जो होगा वो होगा 1 और फॉल्स जो होगा वो होगा 0। तो मुझे ज़रा ये प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाने दें, फिर इसके बाद जो है ना मैं आपको विजुअल स्टूडियो पर लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा भी देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इससे पहले मैंने ऑपोजिट बताया हुआ है तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसको हम देख लेंगे। अच्छा जी इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास एक और मेमोरी है रिजल्ट के नाम से,
और इस रिजल्ट के अंदर क्या होगा, हम जो है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा मिसाल के तौर पे वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो वो इस रिजल्ट वाली मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये पहले स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। इस पहले स्टेटमेंट में देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये राइट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए को हम बी से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो बराबर हैं, और इसका जो रिजल्ट होगा वो हम सेव कर रहे हैं इस रिजल्ट के नाम वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 3 इक्वल्स 5 किया तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं है, तो उस में ये वाला ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और वो वैल्यू आपकी रिजल्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट, और इसमें आउटपुट पे आएगा 3 इक्वल इक्वल टू 5 एस, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आपको इधर आपको एक पहली आउटपुट नज़र आ रही है कि यहाँ पे 3 इक्वल इक्वल 5 एज, यहाँ तक जो है वो एज इट इज़ आउटपुट पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जो 0 जो है ये उसका रिस्पॉन्स है कि इसका जो कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद में जो उसकी वैल्यू बनी है वो वैल्यू एक्चुअल में क्या बनी है इसकी, वो बनी है फॉल्स, और जो उसको रिजल्ट आउटपुट पे शो हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है 0। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट देख लें, रिजल्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एक कंपैरिजन किया, ये नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन है या इसका रिलेशन हम चेक कर रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, ए क्या बी के इक्वल नहीं है, तो ए के अंदर वैल्यू पड़ी है 3, बी में वैल्यू पड़ी है 5, 3 जो है 5 के इक्वल नहीं है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसका रिजल्ट आएगा वो ट्रू और वो रिजल्ट में सेव हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन में आके देखें तो हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो आउटपुट लिख रहे हैं हम 3 नॉट इक्वल 5 एस, तो ये हमारे पास देखिए अगली आउटपुट यहाँ पे आ रही है 3 नॉट इक्वल टू 5 एस, और इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हम रिजल्ट शो करवा रहे हैं। अब वो रिजल्ट देखें, वो जो मेमोरी थी तो एक ही दफा हमने मेमोरी बनाई है, एक रिजल्ट की सूरत में वैल्यू उसमें आ गई, उसको हमने शो करवा दिया, अब उसके बाद उस वाले रिजल्ट की हमें जरूरत नहीं थी, हम उस मेमोरी को ओवरराइड कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू तब्दील करने के लिए दोबारा से इसी वेरिएबल को, इसी मेमोरी को इस्तेमाल किया और इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। जब इसकी वैल्यू चेंज की तो पहली दफ़ा की सूरत में इसमें फॉल्स आया था, अब की सूरत में इसमें क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ट्रू की सूरत में देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मैंने 2 टाइम क्यों यूज़ किया है, ये मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मेरे पास ना एक मेमोरी है, ये मेमोरी है, और इसमें इसका नाम है जी यहाँ पे रिजल्ट। अब इस मेमोरी को मैंने अपने पास कब तक रखना है, तो जब तक मुझे इस वाली मेमोरी की ये रिस्पेक्टिव इसमें जो वैल्यू पड़ी है, जब तक मुझे उसका इस्तेमाल करना है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करना है, तब तक मुझे वो रखनी पड़ेगी, उसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू हासिल की, वो इस वाले एक्सप्रेशन की वजह से वैल्यू हासिल हुई। इसका काम जो है इस वाली मेमोरी के अंदर जो वैल्यू की जो टाइम हमें चाहिए था, जब तक वो वैल्यू हमें चाहिए थी वो तब तक चाहिए थी जब तक हम उसको डिस्प्ले करवा दें। उसके बाद हमने ए इक्वल इक्वल बी का जो रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू है, इसको हमने बाद में इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर बाद में इस्तेमाल नहीं करना तो इसका मतलब ये कि ये मेमोरी जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, इसमें एक दफ़ा डाटा आ चुका है, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये वाली मेमोरी जो है इसको अगर हम बाकी प्रोग्राम में ना भी इस्तेमाल करें तो अब इसने कहीं और इस्तेमाल नहीं होना, तो क्यों ना हम बार बार अलग अलग मेमोरी बनाने के बजाय जब देखें कि एक मेमोरी का और भी काम नहीं रहा तो हम उस मेमोरी को दोबारा क्यों ना इस्तेमाल कर लें। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे देखें तो हम मल्टीपल टाइम जो इसको इस्तेमाल करें। जी मलाइका पूछे। सर, ये इक्वल का साइन 2 टाइम ए के और बी के मिड में क्यों यूज हुआ है, ये पूछ रही थी मैं। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं ये वाला आपका सिंबल जो है, ये इसका नाम है इक्वल टू ऑपरेटर। ये अगर आप पिछली स्क्रीन पे देखें तो अभी मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए ना, तो इसके अंदर इज इक्वल टू का ऑपरेटर बताया था आपको। ये जो इज इक्वल टू का ऑपरेटर है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 इक्वल इक्वल के सिंबल है। हमारे पास जो सिंगल इक्वल होता है वो यूज होता है असाइनमेंट के लिए, और जब 2 होते हैं तो वो कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं, 2 को बराबर चेक करने के लिए कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। ओके, तो इसके बाद रिमेनिंग जो कोड है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी कोड को उठा के मैं ज़रा आपको वीओ स्टूडियो पे रन करके आपको बता दूँ, और उसमें भी अगर आपके कुछ सवाल आते हो
तो उन सवालात को जो है वो आंसर किया जा सके। जी मोहम्मद अदन, आपकी बात ठीक है कि अगर हम रिजल्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि पहली दफ़ा जो उसका आंसर आ गया उसके लिए वो आंसर जो है वो आगे वाले के लिए गार्बेज होगा, आपने जैसे कहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गुड, तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल मेमोरी यूज़ करते हैं तो आपकी एक्चुअल में मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कितने जो है वो रिज़ल्ट बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं 6 मेमोरीज भी बना सकता हूँ बोल टाइप की जो ये रिजल्ट रखेंगी। तो वही 6 मेमोरी सेपरेट इस्तेमाल के बजाय एक ही मेमोरी से जब हम काम करते जा रहे हैं तो उससे काम काफ़ी एफिशिएंट हो गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरीज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड, अच्छा जी, अब ज़रा मैं यहाँ पे, हाँ जी, मैं यहाँ से बाहर निकल आया, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इतने पोर्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इसके बाद मैं वीडियो स्टूडियो ओपन करता हूँ, आपके साथ वीडियो स्टूडियो शो करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जी वीडियो स्टूडियो आप लोगों को शो हो रहा है? अगर शो हो रहा है तो हैंड रेज कीजिएगा। मोहम्मद रसीम, मैं आपको आंसर करता हूँ अभी। ओके ठीक है, आप हैंड डाउन कर लें। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये एक एरर मुझे शो कर रहा है। ये एरर क्यों शो कर रहा है? अच्छा ओके, तो एक ब्रैकेट ज़्यादा थी इसलिए मुझे वायरल शो कर रहा था। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मुझसे स्टूडेंट ने पूछा है कि यहाँ पे ये इंट और ये बूल क्या चीज़ है, ये मेमोरी की टाइप्स हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किया था, ये मेमोरी की टाइप्स हैं। तो ये मेमोरी की टाइप है, इसमें देखें तो ये मेरे पास एक मेमोरी का नाम ए है, दूसरी मेमोरी का नाम बी है, और तीसरी मेमोरी का नाम रिजल्ट है। लेकिन नामों से फर्क नहीं है, मैं जो है इनकी टाइप में भी फर्क है। ये इंटीजर टाइप की मेमोरी को होल्ड करने के लिए ए और बी जो है मौजूद है, बुलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बुलियन टाइप का मतलब ये है कि जिसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होल्ड कर सकती हो, तो उसके लिए हमारे पास ये मेमोरी है, इसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने सिस्टम पॉज यूज़ नहीं किया, तो मेरे पास जो है ना ये लोकल विंडो डिबगर जो है ये बड़ा अच्छा टूल है जो कि मेरी स्क्रीन को खुद ही जो है वो हॉल्ड कर लेता है, मुझे यहाँ पे सिस्टम पॉज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपकी फरमाइश में मैं यहाँ पे सिस्टम पॉज जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिस्टम पॉज जो है यूज़ कर लिया। इसके बाद जो है मैंने इसको करना है बिल्ड, तो मैंने इसको बिल्ड किया। तो बिल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे व्यू कर रहा हूँ कि इसका क्या बनेगा, या पास होगा या फेल होगा। तो ये सक्सीड हो गया, सक्सीड का मतलब ये है कि ये पास आउट हो गया, पास हो गया। और इसके बाद मैं अब इसको रन करता हूँ, तो मैंने इसको अब यहाँ पे रन किया, तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है, और मुझे पक्को ये है कि वो आपको शो नहीं हो रही होगी, और ये अब आपको शो होना शुरू हो गई होगी। ओके, तो ये स्क्रीन आपके पास शो हो रही है, तो इसमें देखेंगे इसका रिजल्ट जो है वो आपके आउटपुट के ऊपर आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनी वे, स्क्रीन मैंने आपको आउटपुट नहीं दिखानी थी, सिर्फ आपको जो है मैंने एक्चुअल में थोड़ा सा वीडियो स्टूडियो से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बतानी है। अच्छा अब यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ जिसको हम बोलते हैं डिबग करना, डिबगिंग। ठीक है, अब डिबगिंग जो है और जो हम बिल्ड करते हैं इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क है वो इस चीज़ का है कि जो हम डिबग करते हैं इसके अंदर हम जो है वो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं कि आपके क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें परफॉर्म हो रही हैं। उसके लिए आप करते क्या हैं, इसमें देखें तो यहाँ पे मेरे पास कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, नहीं
यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाना है, अब किधर लगेगा, लेट मी सी, ओके यहाँ पे लगेगा, ठीक। तो आपने करना ये है कि आपने जिस लाइन को एग्जीक्यूट जहाँ से करना है और एक एक लाइन को आपने देखना है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये मेरे पास सर्कल सा नजर आ रहा है, इस पर लेके जाके अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का हो गया। जब ये रेड कलर का हो जाता है तो ये कहलाता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट आपका प्रोग्राम का वो पॉइंट है जहाँ पे आप प्रोग्राम को ब्रेक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रोकना है तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट आ गया। अब ब्रेक पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें, ये है मेरे पास लोकल विंडोज डिबगर, अदरवाइज मुझे डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग का क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है प्रोग्राम क्या करना शुरू कर देगा, डिबग करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट डिबगिंग। तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको भी प्रोग्राम नहीं दिखा पा रहा, उसकी आउटपुट पे जो है इस वक्त जो है वो आउटपुट प्रॉपर क्रिएट नहीं हुई, डिस्प्ले नहीं हुआ, वो इसके लिए वेट कर रहा है कि अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आगे चलेगी, तो जहाँ पे आउटपुट बनेगी वहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट पे आएगी। अब ये आपके पास यहाँ पर आ गया है इस वाली लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन में देखें तो ये मेरे पास ए है, कर्सर मैंने ए के ऊपर लेकर गया तो यहाँ पे ए की वैल्यू शो हो रही है 13881। ये 13881 जो है ये अभी मेमोरी बनने वाली है, बन रही है, और इसके अंदर पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज 13881 पड़ी हुई है। इस तरीके से मैं बी के ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ तो बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 0। अब ये ए के अंदर कुछ और वैल्यू है, बी में कुछ और वैल्यू है, तो इसकी रीज़न वही है जो हमने डिस्कस की थी कि आपके प्रोग्राम को मेमोरी कब मिलती है, उसमें जो है वो डाटा पहले तो कुछ पड़ा हुआ होता है, वो आपके लिए जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी होता है, और वो आपको जब शो हो रहा होता है तो वो फिर कोई गार्बेज ही नज़र आ रहा होता है, ये हमारे प्रोग्राम के उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो गार्बेज बन जाता है। गार्बेज क्या है? अनवांटेड वैल्यू, जो वैल्यू उसके अंदर प्लेस की गई और हमारा उसे कोई ज़रूरत या ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है आप देखें तो मैंने इसको अगली लाइन में लेकर आना है, तो अगली लाइन में लेकर आने के लिए मेरे पास यहाँ पे है एक ऑप्शन स्टेप ओवर, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये है स्टेप ओवर, इसकी शॉर्ट की भी नज़र आ रही होगी, ये F10 इसकी शॉर्ट की है। मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा तो इससे देखें तो उसने क्या किया, इसने इस सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ए के ऊपर मैं लेके जाऊँगा तो ए के अंदर वैल्यू आ रही है 3। अब यहाँ पे अगर मैं बी के ऊपर लेके जाऊँ तो बी के ऊपर वैल्यू आ रही 5। रिजल्ट में लेकर आऊँ तो रिजल्ट में अभी देखें इसने डिफॉल्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, एक्चुअल में 2 नहीं, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है और उस गार्बेज वैल्यू की वजह से ये अब 2 आ रहा है। अब वो गार्बेज वैल्यू कैसे है या ये 2 कैसे है, तो अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पड़ी हो तो वो 2 कंसिडर करता है, उसको जो है वो 1 बना लेता है, तो आपको यहाँ पे ये व्यू हो जाएगा कि 1 आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखें ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपको 2 नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे ब्रेक ओवर करता हूँ, ये सॉरी स्टेप ओवर करता हूँ, ये स्टेप ओवर हुआ तो इसके रिजल्ट के ऊपर आपके पास क्या रहता है, 3 = 5 किया तो ये बराबर नहीं होती, तो जब ये बराबर नहीं होती तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स। देखिए रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। अच्छा, ये इसके बाद जो है ये जिस एरो जिस लोकेशन पे होता है इसका मतलब ये कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए मैं स्टेप ओवर करूँगा तो अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है और आपको आउटपुट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, ये मुझसे हसन अब्बासी पूछ रहे हैं कि आप क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और इसकी रीज़न क्या होती है कि हमें इसको ज़रूरत क्यों पड़ती है। बाज़ दफ़ा हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हुए हम उसमें लॉजिकल एरर्स करते हैं, ऐसे एरर जो कि कंपाइलर तो डिटेक्ट नहीं कर सकता लेकिन वो हमारे प्रोग्राम की जो ज़रूरियात होती है उसको पूरा नहीं कर रहे होते, तो हम वहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमने कहाँ पर ऐसी मिस्टेक कर दी है कि वहाँ पर वो हमारे रिज़ल्ट जो हमें चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम जो है वो डिबगिंग करते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपकी मेमोरी में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन भी आपको शो हो रही है,
कि यहाँ पे आपके पास ए के नाम से एक मेमोरी है जिसकी वैल्यू 3 है और ये इंटीजर टाइप की है, बी जो है इसमें 5 है और इसकी इंटीजर टाइप की है, इस तरीके से रिजल्ट है इसमें वैल्यू फॉल्स है और ये बुलियन टाइप की है, और ये जो आपके पास शो हो रहा है ये आपके पास आटोस का जो कह रहे हैं कि विंडो है इसमें शो हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहूँ, स्टॉप डिबगिंग करना चाहूँ, यहाँ से मैं क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकता हूँ, अब मेरा प्रोग्राम चलना बंद हो गया। मैंने ये काम कैसे स्टार्ट किया था, मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दूँ। अच्छा, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि डेव तो ऑटोमेटिकली बता देता है तो उसमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने यही देखना ना कि आखिर में मेमोरी क्या बन गई है, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें तो प्रोग्राम के दौरान में पता करना है ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे आकर रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी है, ये लाइन नंबर 10 है, लाइन नंबर 10 के ऊपर रिजल्ट के ऊपर आके मैंने यहाँ पे देखना है। अब मैं यहाँ पे आके इसको देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे इस लोकेशन पे आके ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग करूँगा। तो अब देखें यहाँ पे इससे पहले की सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर चुका होगा और यहाँ पे आके जो है उसने एग्जीक्यूशन को रोक दिया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे डिबगिंग कर सकते हैं और ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैंने बतानी है, मैं अब डिबगिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, डिबगिंग का जो मैंने आइडिया देना था मैं यहाँ पे आपको दे चुका। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि अच्छा, डिबगिंग में एक लाइन, जी डिबगिंग में होता ये है आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। अब वैसे तो हम ये कंपाइलेशन कर रहे होते हैं ना कि एक दफ़ा प्रोग्राम को आपने बनाया, कंपाइल किया और उसके बाद रन कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपने लाइन बाय लाइन देखना हो कि मेरे प्रोग्राम में क्या क्या एक्शन होते जा रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं यहाँ पे भी ठीक था, यहाँ ठीक था, यहाँ पे ठीक था, ओ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे रिजल्ट ये ऐसे बनना चाहिए था, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन गलत कर दी, कोई एक्सप्रेशन गलत कर दी, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप जो है डिबगिंग करते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, मैं इस बारे प्रोग्राम को ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ नेक्स्ट बतानी है वो ये है कि हम मल्टीपल इनपुट जो है वो अगर लेते हैं तो उसके लिए सी इन के साथ जो हम एक्सटेंशन ऑपरेटर लगाते हैं वो कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेमोरी ले रहा हूँ ए, या इसको हम कहते हैं MEM1, दूसरी मैं मेमोरी ले रहा हूँ यहाँ पे MEM2, और इसके बाद मैं एक मैसेज देता हूँ और कहता हूँ कि जी एंटर वैल्यूज ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं दो इंटीजर्स की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं रिसीव कर सकता हूँ सिंगल सी इन के साथ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया, इसके बाद मैंने लिखा MEM1 जो मेरी पहली मेमोरी का नाम था, इसके बाद मैंने दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया सिंगल कमांड के साथ, और यहाँ पे मैंने MEM2 लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे दो मेमोरीज आ गई, इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ और लेट्स से हम यहाँ पे ये करते हैं कि शो करते हैं सम ऑफ, हम यहाँ पे सम करवा रहे हैं तो उसमें पहली मेमोरी में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे नज़र आ जाए, और उसके बाद वैल्यू के बाद लिखा हुआ एंड, और उसके बाद दूसरी जो मेमोरी है उसकी वैल्यू शो हो जाए, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा फासला देने के बाद इज लिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम इन दोनों का सम कर लेते हैं MEM1 प्लस MEM2, और इसके बाद जो है एंडर लगा लिया ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा जो है रिजल्ट जाए। अब इसके बाद मैंने इसको सेव किया, अगर आपका प्रोग्राम सेव ना हो तो उसकी पहचान ये होती है कि देखिए यहाँ पे मेरे पास फाइल का नाम है source.cpp, उसके पास स्टैरिक लगा हुआ है, जब ये स्टैरिक लगा होता है इसका मतलब ये अनसेव्ड है। अब मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करता हूँ तो अब ये सेव हो गया, तो जब सेव हो गया तो इस पर स्टैरिक गायब हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्ड पे गया, बिल्ड पे जाके मैंने इसको किया बिल्ड सोल्यूशन, तो उसने बिल्डिंग की है, बिल्ड करने के बाद देखें सक्सीड हो गया, जब ये सक्सीड हो गया इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ,
ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। अब मैं इसकी जो है आउटपुट आपको शो करता हूँ जी। आपको आउटपुट शो हो रही होगी, इसमें आ रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ टू इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स की वैल्यू हमने रखनी है। अब देखें इंटीजर की वैल्यू देने के मेरे पास दो तरीके हैं। यहाँ पे यूज होता है डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या है, सी इन जो है वो वैल्यूज कब तक रिसीव करेगा, सी इन जो है वैल्यू कब तक रिसीव करेगा। एक्चुअली में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर रिसीव कर रहा होता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कब तक वैल्यू रिसीव करेगा, तो डिलिमिटर दो तरह के होते हैं। या तो आप उसको नेक्स्ट लाइन देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो वो आपके पास एक वैल्यू रिसीव कर लेता है, या उसको आप स्पेस बीच में प्रोवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल में करता हूँ। हमने दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। पहली वैल्यू मैंने रखी 10, एंटर दबाया, तो अभी भी देखें ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं दूसरी वैल्यू दूंगा। दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 7, और इसके बाद मैंने एंटर दबाया, तो अब देखें यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ 10 एंड 7 इज 17। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे हम पहली वैल्यू जो है वो मैम 1 में रख रहे थे, तो वो 10 जो है वो मैम 1 में आया था। दूसरी वैल्यू हम जो है वो हासिल कर रहे थे मैम 2 में, तो 7 जो है वो मैम 2 में आया, तो इसकी वजह से लिखा हुआ है सम ऑफ और यहाँ पे 10 एंड 7, और उसका रिजल्ट आ गया 17। ओके, अब जो है मैं एक दफ़ा ज़रा स्क्रीन फिर से आपको वापस लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैंने इसको क्लोज़ करना है। यहाँ पे प्रोग्राम मेरा क्लोज़ हो गया। इसके बाद मैं दोबारा रन करता हूँ और इसके बाद इसकी स्क्रीन में आपको शो करता हूँ। तो जी अब आपको इसकी स्क्रीन शो हो रही है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ मैंने बतानी है, पहला डिलिमिटर मैंने आपको बताया है जिसमें आप एंटर दबाते हैं और वो वैल्यू रिसीव होती है। दूसरी होती है कि आप स्पेस प्रोवाइड करें। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पहली वैल्यू हम कहते हैं 10, इसके बाद मैंने स्पेस दबाई, दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 13। ठीक है, और इसके बाद मैंने एंटर दबाया, तो देखिए मुझे एंटर दोबारा नहीं दबाना पड़ा, इसने दोनों वैल्यू यहीं से रिसीव कर ली। कैसे, इसने पहली वैल्यू से जो मेमोरी 1 में प्रोवाइड की मैम 1 में वो 10 प्रोवाइड की, फिर स्पेस के बाद जो है ना उसने दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पे 13 जो है वो दूसरी मेमोरी मैम 2 में प्रोवाइड की। तो आप ये देख भी सकते हो यहाँ पे सम ऑफ 10 जो कि 10 जो है वो शो हो रहा है मैम 1 की वजह से, एंड 13, और 13 जो शो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो मैम 2 में जिसमें 13 वैल्यू हुई है, और इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। जी ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप चैट में अपना नाम लिखिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके हाँ जी, अब मैं जरा नाम काट लेता हूँ जिनकी मुझे अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। मोहम्मद अदन, मोहम्मद लुकमान आसिफ, मलाइका फरीद, मोहम्मद सुलेमान हैदर, हसन अब्बासी, मोहम्मद असन यार, अहमद हसन, सुफियान लतीफ़, सलमान अली, फैसल महमूद, सैयद हुसैन असगर, तैयब तसद्दक, मुजामिल अब्बास, इमशा सफदर, राफे बिन सुहेल, अब्दुल मुताल, मोहम्मद कैस, मोहम्मद हसीब तारिक, असद इकबाल, असद बिन शाकिर, वसीउल हसन, मोहम्मद मोहसिन सईद, मोहम्मद समीर अब्बासी, वहाज तारिक, अब्दुल्ला रियाज, अदील सुल्तानी, कसवर सना, गुलाम दसगीर, मजामिल, आपने अपने नाम गलत स्पेलिंग लिखे हैं, दोबारा से भेजें, मोहम्मद हसीब सफदर, अच्छा मिल गई थी, ठीक है, मुजामिल जहीर, ठीक है। इसके बाद हैं जी सरदार हमदा परवेज खान, लाइबा फ़ारूक, उकाशा अबासी, नबील अहमद, साकिब अली, नफील इरशाद, लाइबा फ़ारूक, मोहम्मद समीर अबासी, मोहम्मद शाहजेब, मुश्तबा अहमद, मोहम्मद हसनैन,
ओके तो जी इनके नाम हो गए, तो हमारी क्लास खत्म होती है, अपना ख्याल रखिएगा जी। मैं जो पीपीटी मैंने बनाई है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको जो है वो फॉलोअप कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।